सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 121 श्री एम आरिफ जी सर मणिपुर इस बैठक मंत्री जी अध्यक्ष जी मेरा आपसे आग्रह अध्यक्ष जी उत्तर सभापटल पे रखा हुआ है आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है मेरा आपसे आग्रह है मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते ये प्रश्नकाल आपका है सरकार की जवाब देते होती है आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा आप नियम कानून से सदन चलता है हमारा भी कुछ तो मांग होते हैं सर सर मैं छोटी सी बात करते सर 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी आज क्यों ऐसे देर हो रहा है सर ये आपने आप सर व्यवस्था दी है मैं उस पर व्यवस्था दूंगा आप प्रश्नकाल निकलना चाहते हैं सर 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 नियम के अनुसार दस दिन समय है सर आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो हमारा बिल निरस्त करने दो श्री प्रहलाद जोशी जी मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी आइटम नंबर 13 आइटम नंबर 13 सर आई राइज टू इंट्रोड्यूस द बिल सर आई राइज टू मूव दैट बिल टू अमेंड द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 बी टेकन इनटू कंसीडरेशन श्री रितेश पांडे जी सर इस बिल के इंट्रोडक्शन का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ रूल्स और रेगुलेशन 72 के अंतर्गत क्योंकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत 51 एजी को लेकर के इसको देखने की ज़रूरत है जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदायों का जो माइनिंग होगा खास तौर से सी माइनिंग होगी वो हमारे जो देश का जो रिसोर्सेज है जो एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्य करेगा और ये आर्टिकल 21 का पूरी तरह से एक उल्लंघन है और उसी के साथ साथ 51 श्री मनीष तिवारी जी के तहत इसका उल्लंघन है धन्यवाद मनीष तिवारी जी श्री अधीर रंजन चौधरी जी रुको चौधरी जी सर प्लीज सर मैं बड़ा आभारी हूँ सर कि आप मुझे बोलने का मौका दिए हैं सर सर बात यह है कि सारे सदन जानते हैं आप नहीं वो कोई बात नहीं आप नहीं, इस बिल पर क्या कहना चाहते सर ये नो कॉन्फिडेंस आपकी आपत्ति क्या है वो बताओ नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग दे चुके हैं सर नहीं वो हो चुके हैं और ये श्री स्वागत रॉय जी सर मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए सर इट इज अ फैक्ट एंड क्लियर लीगल पोजीशन दैट इंट्रोडक्शन बिल कैन बी ओनली अपोज अंडर आर्टिकल अंडर रूल 72 ऑन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 proposed to be introduced to amend the OMDR Act 2002, which was enacted under exclusive power of the Parliament under Entry 54, List 1, that is Central List, under the 7th Schedule
टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एंट्री द स्टेट दैट रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट टू द एक्सटेंट व्हिच सच रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय अ लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट फर्दर आर्टिकल 297 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वेट्स ऑल द मिनरल्स इन द ऑफशोर एरिया इन द यूनियन द स्टेट्स हैव नो राइट ओवर द मिनरल्स इन द ऑफशोर एरिया एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले इनके कालखंड में अलॉटमेंट के रूट से इन्होंने अलॉटमेंट के रूट फर्स्ट कम फर्स्ट सर डिस्क्रिशन रूट से देता था हम लोग इसका जब इन लोगों ने अलॉट किया बाद में इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो गया इलीगल के कारण सीबीआई इंक्वायरी हो गया चार्जशीट हो गया सब कुछ हो गया नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लियर मेक दी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ओनली थ्रू ऑप्शन दिस इज दी ओनली थिंग वी आर ब्रिंगिंग एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉम्पिटेंस अराइजेस दिस पार्लियामेंट हैज गॉट फुल कॉम्पिटेंस देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ टू इंट्रोड्यूस द बिल प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ वालों के पक्ष में हुआ माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें सर आई इंट्रोड्यूस द बिल सर एक बात सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ये सही है कि मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में विशेषता हमने अच्छे हाईवे बनाए हैं और रात को वहाँ के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं वो रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में कानून करके जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा दूसरी बात रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं निश्चित रूप से जो सुझाव सम्माननीय सदस्य ने दिए हम रोड सेफ्टी के बारे में काफी सजग है और निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके ये सब प्रॉब्लम को ढूंढकर हम इसके बारे में उपाय योजना करने में प्रायोरिटी हमने दी है और इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा माननीय सदस्यगण आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं इस संसद की इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है उच्च परंपराएं रही है उच्च मर्यादा रही है लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा मर्यादा उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव उनकी अभिव्यक्ति उनकी भावनाओं को सदन में रखें आप यहां नारेबाजी करते हैं प्ले कार्ड लगाते हैं माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है अगर आप इस संसदीय परंपराओं को जो शेष रही है उसके आचरण के कारण पूरा देश देख रहा है आप कहां ले जाना चाहते हैं अच्छी चर्चा करो संवाद करो मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा लेकिन ये परंपराएं उचित नहीं है ये आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं आप क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर पूरा देश आपको देख रहा है अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे आचरण करेंगे तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं